ये फिल्म जो सी है स्टूडियो की जब तक अंदर बनती रही तो वो बंद दराजों में थी, जब से बाहर चली गई तो ओपन हो गई। और ये जो इश्क मरजाने जो फिल्म हमारी है ये एक बड़ी अच्छी कॉमिक एक्शन और मेरा ऑफकोर्स एक एक्शन रोल में है और इंस्पेक्टर का रोल है इसमें मेरा। उम्मीद है कि काफ़ी से बाद मैं आपको डांसिंग नंबर में नजर आऊँगा। ये जो स्टूडियोज़ हैं या जो लोग हैं ये मेरी एक सेकेंड फैमिली की तरह है। मेरी इसका जो कंप्लीट पड़ी हुई है उसमें मैं दिल मेरा चन्ना रेडी पड़ी हुई है, मेरी एक टाइटल फिल्म वो भी है, मेरी टाइटल फिल्म आ रही है अतरा शेर वो भी रेडी पड़ी हुई है, एक मेरी टाइटल फिल्म आ रही है बबरा गुज्जर वो भी रेडी पड़ी हुई है, ये वाली भी हमारी कंप्लीट है। सन ऑफ मौला जट इंशाल्लाह ताला उस पर हम लोग बहुत तवज्जो से काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो ओरिजिनल मौला जट है उसको तो कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, वो क्लासिक में चली गई माशाल्लाह, एक लेजेंडरी फिल्म बन चुकी है। जिन्होंने इस इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी है, जिन्होंने इसको अपना खून पसीना दिया है, उनको आपको नहीं भूलना चाहिए, उनके नाम उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं नई लॉलीवुड फिल्म इश्क मरजाने के सेट पर, जहां पर नए आइटम नंबर की शूटिंग की जा रही है और फिल्म में टाइटल रोल में जो इस आइटम नंबर में जलवागर हो रहे हैं वो है हैदर सुल्तान और उनके मद्दे मुकाबिल हेरवन का किरदार निभा रही हैं अदाकारा हनी शहज़ादी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हैदर सुल्तान साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि स्टूडियोज़ की रौनकें बहाल हो रही हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस फिल्म में परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है दोबारा से आकर स्टूडियोज़ में और रौनकें बहाल हो रही हैं, गहमा गहमी है हर तरफ? अब यकीन करो आज मैं इस फ्लोर पे अंदर आया हूँ तो उतना मुझे अच्छा लगा देख के कि स्टूडियो दोबारा से माशाल्लाह चहल पहल शुरू हो गई है और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है कि ये कायम दायम रहे और आगे काम फिर से शुरू हो जाए स्टूडियोज़ के अंदर, क्योंकि फिल्म जो सी है स्टूडियो की जब तक अंदर बनती रही तो वो बंद दराजों में थी, जब से बाहर चली गई तो ओपन हो गई। तो दोबारा से हम कोशिश ही करें कि उसको वापस स्टूडियो में लाया जाए। और ये जो इश्क मरजाने जो फिल्म हमारी है ये एक बड़ी अच्छी कॉमिक एक्शन और मेरा ऑफकोर्स एक एक्शन रोल में है और इंस्पेक्टर का रोल है इसमें मेरा, मैं और अपना मतलब क्यू नूर साहब से हम लोग हीरो प्ले कर रहे हैं। और ये जो आज गाना होने जा रहा है ये जैसे आपने बताया कि हनी के साथ है और एक अच्छा डांसिंग नंबर है, तो उम्मीद है कि काफ़ी से बाद मैं आपको डांसिंग नंबर में नजर आऊँगा। आपके ख़ानदान का, आपके घर का एक ख़ास कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हमेशा से रिवाइवल की जंग लड़ी गई, हाजी सुल्तान रही साहब हों, आप हों, आपने भी हमेशा हाजी साहब के बाद जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ी फिल्म इंडस्ट्री को, स्टूडियोज़ को, फिल्मी लोगों को, सर्कल को, उन्होंने आपको आवाज़ दी और आपने लब्बैक कहा। तो आज फिर उसी अज़्म को लेकर, उसी जज्बे को लेकर आए। जी बिल्कुल, मेरी देखें शुरू से यही रहा है क्योंकि ये जो स्टूडियोज़ हैं या जो लोग हैं ये मेरी सेकंड फैमिली की तरह है और जब भी कभी मुझे वो लोग कॉल अप करते हैं आने के लिए कहते हैं तो मैं हमेशा आता हूँ। और मैंने पंजाबी दी मिसाल है कि इन्होंने मोड़ा लात तय किया, मेरी कोशिश की कि इंडस्ट्री फिर रिवाइव करे। और जैसे बुझे के दौर में था ओबियसली वो तो एक बड़ा बूम पीरियड का दौर था, लेकिन हमारी कोशिश है इसके अगर आस पास ही पहुँच गए हम तो हमारी जीत हो जाएगी इंशाल्लाह। अदर भी और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो ऑन सेट हैं या कम्प्लीट हैं, फिल्में लगने जा रही हैं? जी मेरी इसका जो कंप्लीट पड़ी हुई है उसमें मैं दिल मेरा चन्ना रेडी पड़ी हुई है, मेरी एक टाइटल फिल्म वो भी है, मेरी टाइटल फिल्म आ रही है अतरा शेर वो भी रेडी पड़ी हुई है, एक मेरी टाइटल फिल्म आ रही है बबरा गुज्जर वो भी रेडी पड़ी हुई है, ये वाली भी हमारी कंप्लीट है। और मेरी एक अभी इंशाल्लाह ताला उसका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बिफोर टाइम अनाउंस कर रहा हूँ लेकिन अगैन मेरा अनाउंसमेंट मैंने करनी थी उसकी किसी पॉइंट पे। सन ऑफ मौला जट इंशाल्लाह ताला उस पर हम लोग बहुत तवज्जो से काम कर रहे हैं इस वक्त और जैसे इसका स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जाएगा फिर आप सब भाइयों को दोबारा से कॉल अप करेंगे और प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट के साथ उसको इंशाल्लाह ताला। आपकी आवाज़ पे हम भी लब्बैक कहते हैं जी। और सन ऑफ मौला जट, आप समझते हैं कि वो इस लेवल पर फिल्म बनाई जाएगी कि द लेजेंड ऑफ मौला जट और मौला जट का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी क्योंकि आपसे स्पेशली बहुत ज़्यादा फिल्म बीनों को तवक्कुआत होंगी। जी नहीं, थैंक यू सो मच। कोशिश यही है कि देखें जो मौला जट पहली बनी वो एक क्लासिक्स में चली गई और उसमें नूरी नाथ का रोल मैं करांगा। हाँ जी, ओए नत्तियां ते गिद्दड़ दे कन्न विच पा दईए ते ओ नहीं नसदा, मैं ते फिर नूरी नत्ता। आप साइन करते हैं जी नूरी नत के लिए? जी देखें खान साहब हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह और बहुत काबिल एहतराम भी हैं। बिल्कुल इसमें हम लोग हमारी पूरी कास्ट एक हम तैयार करेंगे और कोशिश ही करेंगे कि लेकिन जो ओरिजिनल मौला जट है उसको तो कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, वो क्लासिक में चली गई माशाल्लाह, एक लेजेंडरी फिल्म बन चुकी है। अभी जो मौला जट लगी है उसने ये ज़रूर किया कि उसने उसको रीलोड कर दिया, फिर से पब्लिक के अंदर फिर से उसको जिंदा कर। मौला जट ने भी इंडस्ट्री को पाँव पर खड़ा किया और एक नई पहचान दी और इस इंडस्ट्री ने भी डेड होती हुई इंडस्ट्री में दोबारा एक रूप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और अब इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं उसकी हमारी कोशिश यही है कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम अपनी तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। हैदर सुल्तान का कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिल्म बीन जो हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो सुल्तान राही साहब से प्यार करते हैं, उनका आपसे कंपटीशन ज़रूर है कि वो आपसे कुछ बड़ी चीज़ की तवक्को करें। जी इंशाल्लाह। और मैंने जब से मैंने अबू जी का थोड़ा सा स्टाइल अपने में लिया तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको। आपकी लास्ट फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइल होकर बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर 3 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका स्क्रिप्ट इसका, इसलिए बाबा उसको रिवाइज़ करें ताकि वो किसी चीज़ को कमी ना रह जाए। स्क्रिप्ट राइटर कौन? नासिर अदीब साहब सन ऑफ मौला जट के भी वही हैं जी, वही लिख रहे हैं। और इंशाल्लाह जब सेट पे आएगी तो आप सब लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इसको ऐसा ही होना चाहिए था। ज़बरदस्त। इश्क मरजानिया की तरफ दोबारा आते हैं। आज आइटम नंबर हो रहा है और बड़ा खूबसूरत किस्म का सेट लगा हुआ है। क्या तवक्कुआत हैं बिज़नेस के लिहाज से, सिनेमा के लिहाज से? हमारी जो इस वक्त फिल्में आ रही हैं मौला जट, जिस तरह आई द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो लोगों की तवक्कुआत कुछ फिल्म इंडस्ट्री से हाई हो चुकी हैं, तो ये भी उसी स्टैंडर्ड को टच करेगी। देखिए बात यह है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बन चुकी है। जितना बड़ा बजट जितना उसके अंदर यूज़ किया गया, अब हर फिल्म हर प्रोड्यूसर के पास तो 45 करोड़ नहीं है ना, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क जो सा है वो अगर आपने सिनेपैक्स के लिए देना है तो उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जितने अपने बजट में रह के अपने वसाइल के साथ हम लोग उसको कर रहे हैं। लेकिन अगेन अब टारगेट हम लोगों ने सिनेपैक्स को ही कर लिया हुआ है कि इंशाल्लाह उस मार्केट को हम लोगों ने छोड़ना नहीं है, और उन सिनेमास को भी समझ आ चुकी हुई है कि उनको अब फिल्म्स चाहिए। हैदर भी क्या वजह है कि सिनेपैक्स सिनेमा का जब जिक्र होता है वहाँ पर फिल्म लगती है तो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए 300-400 फिल्मों में काम किया, जलवागर हुए, उनको कास्ट किया जाता है, लीडिंग रोल फिल्म में उनके होते हैं, लेकिन जब बाहर पोस्टर लगते हैं, बिल बोर्ड्स लगते हैं, तो उन पर वो गायब होते हैं। नई नस्ल के चंद लोग, वो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन सिर्फ उनको नुमाया किया जाता है, लेजेंड्स को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या वजह है, क्या कहाँ पर गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन कहाँ पे आ रही है? देखें दोपहर में बात बिल्कुल सही कर, मैंने भी नोट की थी कि ये हुआ था और मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखें जिन्होंने इस इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी है, जिन्होंने इसको अपना खून पसीना दिया है, उनको आपको नहीं भूलना चाहिए, उनके नाम उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। नो डाउट आजकल की जो जनरेशन जिन एक्टर्स को मानती है, मांग रही है, उनको दिखाएं आप, उनको फिल्म अपनी सेल भी करनी है, लेकिन बाकी जो लोग आपकी फिल्म में काम करें उनको भी आपको बीच में मद्देनजर रखना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी फिल्म है इसमें आपको सन मौला जट में किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद भी आपसे यही रखते हैं कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। म्यूज़िक फिल्म की कामयाबी के लिए म्यूज़िक कितना अहम होता है? बिल्कुल 50% जी म्यूज़िक होता है फिल्म में और 50% उसका स्क्रिप्ट होता है, बाकी कास्ट उसको पूरा कर देती है आके। तो इंशाल्लाह कोशिश ये कि ये चारों एलिमेंट्स हम लोग इकट्ठे करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा म्यूज़िक बनेगा इसका। अब बस डिसाइड ही करना है, बाकी रहेगा कि इसको पंजाबी में बनाएं कि उर्दू में, बस ये। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? मैं बस ये कहना चाहूँगा जी पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो चुका हुआ है, इसको प्रॉपरली सपोर्ट कीजिए। फिल्म कोई भी आती है इसको आगे देखें 2 दफ़ा फिर फैसला करें फिल्म अच्छी कि बुरी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने हैदर सुल्तान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने फिल्म बीनों से और अपने मद्दाहों से अपील की है कि फिल्म पर तनकीद करने की बजाय सबसे पहले टिकट खरीदें, सिनेमा का रुख करें, फिल्म देखें और उसके बाद अपने रिव्यूज़ दें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को हैदर सुल्तान साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।